इस ई कैट के हवाले से एफएससी चैप्टर नंबर 5 है पार्ट 2 लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर आज हम कवर करेंगे हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी, हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी और फिजिबल सॉल्यूशन इन लीनियर इनइक्वालिटी। अगर हम लीनियर इनइक्वालिटी की बात करते हैं और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हमारे पास एग्ज़ाम में आ सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर एमसीक्यू हो जी मल्टीप्लाइंग ई साइड ऑफ एन इक्वालिटी बाय -1, नॉट इफेक्ट बिकम 0, फ्लिप इनइक्वालिटी साइन और नॉट डिफाइन। अब अगर हम इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज में देखें तो हमारे पास नॉट इफेक्ट ऐसा नहीं है, बिकॉज हमने ये पढ़ रखा है जी अगर आप इनइक्वालिटी के केस में दोनों साइड को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इफेक्ट करती है। किस तरह से इफेक्ट करती है, अब किस तरह से इफेक्ट करेगी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हो -5 इज़ ग्रेटर देन -8 और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है चूँकि -5 -8 से ग्रेटर ही होता है। अब अगर आप दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करा दें, -1 से मल्टीप्लाई करा दें इस साइड को भी और -1 से मल्टीप्लाई कराएं इस साइड को भी, ठीक है। सो ये बात हम जानते हैं कि -1 से मल्टीप्लाई कराने से ये बन जाएगा +5 और ये बन जाएगा +8। अब +5 जो है वो +8 से स्मॉलर है, इसका मतलब है इनइक्वालिटी ग्रेटर के बजाय अब क्या बन जाएगी, स्मॉलर। तो इनइक्वालिटी क्या करती है, चेंज होती है, फ्लिप होती है, इफेक्ट होती है, लेकिन किस तरह से फ्लिप करती है, इसका मतलब है ए, वो कह रहे हैं नॉट इफेक्ट, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ नॉट डिफाइन, ऑब्वियसली ये डिफाइंड है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन को देखो दैट्स अ फ्लिप इनइक्वालिटी साइन और सी ऑप्शन है बिकम 0, बिकम 0 वाली बात नहीं है, इनइक्वालिटी फ्लिप करती है, तो ऑप्शन इज बी, ठीक है। अब ये बात अपने हमेशा याद रखनी है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो -x जो है इज ग्रेटर देन -5, तो अगर आप यूं कर देंगे सिंपल x इज ग्रेटर देन 5, बट स्टूडेंट अक्सर ये मिस्टेक करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट को ये बात समझ नहीं आती कि अगर एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -5 है तो अगर आप नेगेटिव साइन दोनों से यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं तो एक्स इज ग्रेटर देन 5 नहीं होगा, बिकॉज नेगेटिव साइन कैंसिल डायरेक्ट करने का मतलब ये है कि वी आर मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स, -1 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ और -1 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, जिसके रिजल्ट में जो एक्स ग्रेटर देन 5 है दिस शुड बिकम एक्स लेस देन 5, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन, चूँकि हम रिविजन ही कर रहे हैं पूरे इस कंटेंट की, तो लिहाजा हम ये भी देख लेते हैं कि इनइक्वालिटी और कहाँ पे फ्लिप करती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जी चले 1 आवर एक्स इज़ ग्रेटर देन 100, ठीक है, या यू नो चले 1/2 कर लें, 1/2 कर लें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्टूडेंट्स कहते हैं चले जी इसको रेसिप्रोकेट करो, तो एक्स जो है वो ग्रेटर देन ये भी हो जाएगा, रेसिप्रोकेट करेंगे इसको ये 2 हो जाएगा, यानी मतलब कि आपका न्यूमरेटर नीचे आ जाए डिनोमिनेटर ऊपर चला जाए, यहाँ पे भी न्यूमरेटर नीचे आए डिनोमिनेटर ऊपर चला जाए, सो एक्स इज़ ग्रेटर देन 2, चलें ये फाइन सोल्यूशन है। अब अगर हम इसको विद द नंबर टेस्ट करते हैं, विद द नंबर टेस्ट करते हैं तो ये एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, कैसे, यानी जो मैंने सेकेंड स्टेटमेंट लिखी है दिस विल नॉट बी द एक्यूरेट स्टेटमेंट, क्योंकि अगर मैं ये बात करता हूँ कि 100 जो है वो ग्रेटर देन 10 है, सो वी नो दैट 100/1 है और 10/1 है, इफ 100 इज़ ग्रेटर देन 10 दैट, और अगर मैं 1/100 कर दूँ, 1/100 और मैं रखूँ कि 1/10 से अभी भी ग्रेटर है, तो दैट्स रॉन्ग, बिकॉज डिनोमिनेटर में नंबर जितना बड़ा होगा उतना स्मॉलर आंसर आएगा। इसका मतलब है जब आप रेसिप्रोकेट करते हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हो, उस टाइम आपने इनइक्वालिटी को अगेन फ्लिप करना है, यानी इनइक्वालिटी चेंज होगी, इनइक्वालिटी हमारी बन जाएगी इस तरह से। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास इनइक्वालिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें पता हों, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ की और इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ ये वो वाहिद केस है जहाँ पर इनइक्वालिटी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज करता है, यानी दो केसेस में इनइक्वालिटी फ्लिप करती है, ग्रेटर लेसर हो जाएगा, लेसर ग्रेटर हो जाएगा। और वो दो कंडीशन कौन सी हैं, जब आप इक्वालिटी की दोनों साइड पे नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या रेसिप्रोकेट करें दोनों साइड्स को।
इसी तरह हमारे पास एक और जो है एमसीक्यू है, विच इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी एक्स प्लस टू वाई लेस देन सिक्स। अब हमारे पास फोर ऑप्शन हैं, 0, 3, 2, 2, 6, 0 एंड 1, 1। अब देखें यहाँ पे स्टेटमेंट्स, अगर आप स्टेटमेंट पे गौर करें तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग यहाँ पे एन एक एक्स्ट्रा है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी एक्स प्लस टू वाई इज लेस देन सिक्स। अब देखें द वर्ड इज़ ऑर्डर पेयर, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर पेयर की बात की जा रही है, इट्स नॉट अबाउट द ऑल सोल्यूशन, बिकॉज हम ये बात जानते हैं कि इनइक्वालिटी का सोल्यूशन जो होता है वो एक नंबर, वो एक ऑर्डर पेयर नहीं होगा, वो सिंपल एक ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता, इट विल बी यू नो रीजन होता है। जैसे देखें अगर मेरे पास हो एक्स प्लस टू वाई, ठीक है, इज़ इक्वल टू सिक्स फॉर एग्जांपल, ये भी एक लीनियर इनक्वालिटी है। सबसे पहले मैं इसको लीनियर क्यों कहता हूँ, बिकॉज इसमें एक्स की डिग्री और वाई की डिग्री दोनों की डिग्री वन है। एक्स प्लस टू वाई इज़ इक्वल टू सिक्स, ठीक है। और इसी तरह से मेरे पास एक और इक्वेशन है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 फॉर एग्जांपल। अब इस केस में हम ये बात जानते हैं कि इस केस में मेरे अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करता हूँ दोनों को, तो इट विल बी अ सिंगल पॉइंट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर इनको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास x और y का एक पॉइंट आएगा, यानी ये दो स्ट्रेट लाइन्स हैं और ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, दैट मेक सेंस, ठीक है। अब जो जो इस केस में हम देखेंगे फॉर द या इस अगर आप लाइन को प्लॉट करेंगे तो लाइन के ऊपर जो वाक्य नंबर हैं, ठीक है, जो जो ऑर्डर पेयर्स हैं, जो जो पॉइंट्स हैं, दोज आर द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस लाइन, ठीक है। लेकिन इनइक्वालिटी के केस में ऐसा नहीं है। इनइक्वालिटी के केस में वी नो दैट वी गेट अ रीजन, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक रीजन आता है सोल्यूशन सेट के अंदर, यानी जैसे अगर x प्लस टू वाई इज़ लेस देन सिक्स, ठीक है, इसको अगर मैं ऑन ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल चलें मैं यहाँ पे डायरेक्ट लाइन ही ड्रॉ करता, दिस इज़ माय x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, दिस इज़ माय x एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं कहता हूँ जी कि x प्लस टू वाई इज़ इक्वल टू सिक्स, यानी चूंकि इस इनइक्वालिटी को ग्राफ करने के लिए मुझे जो है वो एक बाउंड्री लाइन चाहिए, ठीक है। अब ये बाउंड्री लाइन सॉलिड नहीं होगी, यानी हम सॉलिड बाउंड्री लाइन वहाँ पे ड्रॉ करते हैं जहाँ पे लेस और इक्वल टू का सिस्टम हो, यहाँ पे सिर्फ लेस का या सिर्फ ग्रेटर का सिस्टम हो, वहाँ पे हम डॉटेड लाइन चलाएंगे, डॉटेड लाइन प्लॉट करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स में, अगर मैं देखता हूँ एक्स जो है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ज़ीरो रखूँ तो वाई मेरे पास क्या आएगा, थ्री आएगा, वाई बिकॉज एक्स जीरो पुट करने से टू इंटू वाई इज इक्वल टू सिक्स है, तो वाई इज इक्वल टू सिक्स बाई टू विच इज इक्वल टू थ्री। अगर मैं y ज़ीरो पुट करता हूँ तो x कितना आता है, सिक्स एंड ज़ीरो, इसका मतलब ये दो मेरे पास पॉइंट है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक पॉइंट ये है, और y ज़ीरो, x जब ज़ीरो है तो y कितना है, 3, 1, 2 एंड 3 ये दूसरा पॉइंट। अगर मैं इसको कनेक्ट करूँगा, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, 1, 2 एंड 3 फॉर एग्ज़ाम्पल, चलें जी अगर मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, येलो कलर हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये मेरे पास ये लाइन है, अब इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अ सॉलिड लाइन मैंने क्या कहा था, हम एक डॉटेड लाइन यूज़ करेंगे, ठीक है, ये असूम कर लें कि ये डॉटेड लाइन ही है, चलें ये डॉटेड लाइन है। अब सोल्यूशन सेट क्या है, सोल्यूशन सेट इस केस में हम जानते हैं कि या ये वाला रीजन होगा बिलो रीजन, या जो होगा अपर रीजन, या इसको आप राइट रीजन कह लें और लेफ्ट रीजन कह लें, ठीक है, अपर राइट या लोअर लेफ्ट, ये रीजन जो है हमारे पास सोल्यूशन होंगे। अब कौन सा सोल्यूशन होगा, हम कोई टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं क्या 0, 0 सीक्वेंस को सेटिस्फाई करता है, यानी अगर मैं इसमें 0 पुट करूं, ठीक है, या इस केस में 0 प्लस 2 इंटू वाई 0 0 प्लस 0 0 इज लेस देन 6, इसका मतलब है ये लोअर रीजन होगा, ठीक है, लोअर लेफ्ट रीजन विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस केस। इसका मतलब है अब इस सोल्यूशन में वो सिर्फ एक पॉइंट को ले रहा है, जस्ट अ सिंगल पॉइंट ऑन इन दैट रीजन। क्या बताएं कि क्या ये पॉइंट जो है वो इसके सोल्यूशन सेट के अंदर अंदर लाई करता है या उसके बाहर बाहर लाई करता है। तो ये पूरी जो मैंने आपको डिटेल यहाँ पे बताई है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसका जो सोल्यूशन सेट है दिस इज द होल रीजन,
लेकिन क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी एक्स प्लस टू वाई। अब इसके लिए आपको ये सब कुछ नहीं करना, ठीक है, यानी ये सब कुछ आप नहीं करेंगे, यानी इस क्वेश्चन इस ये सारा करने का मकसद ये था कि आपको इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के बारे के दरमियान डिफरेंस पता चले, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं, उनका सॉल्यूशन सेट जो होता है वो कैसे आता है, क्या वो एक रीजन होता है, क्या वो एक जो है वो हमारे पास पॉइंट होता है या सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, वो क्या चीज़ है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। आपने आपने आपके पास चूँकि ई कैट के दौरान आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, उस लिमिटेड टाइम के अंदर आपने शॉर्ट वे में इसको सॉल्व करना है। व्हाट इज़ दैट कि 0 3 चेक करें, 0 3 को पुट करें, एक्स 0 पुट करें, वाई 2 × 3 6 6 इज़ नॉट लेस दैन 6, ये नहीं हो सकता। बी को पुट करें 2 2 2 और प्लस 2 × 2 4 2 प्लस 2 × 2 4 4 प्लस 2 6 6 इज इक्वल टू 6 होता है, नॉट लेस दैन, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है, एक्स 6 है और वाई 0 है, तो 6 प्लस 0 अगेन ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज डी, तो डी हमारे पास ऑप्शन होगा। अगर आप इसको टेस्ट करें तो गेट एन आइडिया, एक्स 1 और प्लस 2 × 1 1 प्लस 2 3 3 इज लेस दैन 6, तो इसका मतलब है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, लिहाजा फोर्थ विल बी एन आंसर। अब आंसर देखिए, आंसर इज़ वेरी सिंपल, लेकिन ये होल जो मैंने आपको चीज़ बताई है, दिस इज़ द रिविजन, दिस इज़ हाउ कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे आपने उनको इस तरह से डील करना है। अब एक और एमसीक्यू हमारे पास जी बहुत सिंपल है, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फॉर ग्राफिंग अ लाइन, सॉलिड लाइन इज ड्रॉन इफ द इनइक्वालिटी इन्वॉल्व्स ग्रेटर देन अनइक्वल टू लेसर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ग्रेटर देन का मतलब है, लेट सपोज ये हम साइन लेते हैं, दिस इज द ग्रेटर देन साइन, लेसर देन मे बी दिस साइन, ठीक है, अनइक्वल टू लेट से ग्रेटर देन और इक्वल टू यू। तो इसका मतलब है हमने बात की थी कि इनइक्वालिटी के केस में हम जो है वो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम किसी भी इक्वेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास इक्वेशन है जो यूं आती है, तो उसके लिए आप सॉलिड लाइन तब ड्रॉ करोगे। सॉलिड लाइन ड्रॉ करने का मतलब यह है कि जो बाउंड्री पे वैल्यूज होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, और अगर आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हो उसका मतलब है कि जो बाउंड्री पे वैल्यूज़ हैं वो इंक्लूड नहीं है, वो इंक्लूड नहीं है, दैट मीन्स कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये इंक्लूड नहीं होगी। तो सॉलिड लाइन हम तभी ड्रॉ करते हैं जब हमारे पास इनइक्वालिटी के अंदर ग्रेटर और यानी इनइक्वालिटी और इक्वालिटी इकट्ठी आती हैं, ठीक है, यानी ग्रेटर और इक्वल टू और लेसर और इक्वल टू, उस केस में हम सॉलिड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो ऑप्शन होगा ऑप्शन विल बी डी। इसी तरह हमारे पास एक और एमसीक्यू है जी, इन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एक्स माइनस टू वाई इज लेस और इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सॉल्यूशन सेट इज ऑप्शन ए बी सी एंड डी। फोर ग्राफ्स हैं, ठीक है, अब इन फोर ग्राफ्स के अंदर देखें, एक तो मेथड ये है कि आप इसको पूरा होली सॉल्व करें, ठीक है, थ्रू आउट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप जो है वो आंसर लेके आ सकते हैं। अनदर ऑप्शन इज आप कोई भी एक पॉइंट ले लें, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो वी नो दैट कि यहाँ पे कोई पॉइंट अगर मैं लेता हूँ तो दिस इज़ गोइंग टू बी 3 3, ठीक है, जो कि इस रीजन के अंदर आता है। अब 3 3 पॉइंट इस रीजन के अंदर भी आता होगा, 3 3 पॉइंट इस रीजन के अंदर भी आता है, 3 3 पॉइंट इस रीजन के अंदर भी आता है। हम जस्ट एक पॉइंट ले रहे हैं और हम चेक करेंगे क्या 3 3 दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता है। अगर 3 3 दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता है, फॉर एग्जांपल मैं पुट करता हूँ 3, देखें 3 माइनस 2 × 3 इज 6, सो 3 माइनस 6 इज गोना माइनस 3, माइनस 3 लेस इक्वल टू 6, फाइन, इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। यानी हमने देखना है क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। आप यहाँ पे भी 3 पुट करें, 2 × 3 6 6 प्लस 3 9 9 इज ग्रेटर इक्वल टू 2, इसका मतलब है बहुत क्विकली मैंने इस आंसर को हासिल कर लिया, मतलब इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट थॉरली, जो कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए करते हैं, आई पिक्ड अप के ए इज़ माय ऑप्शन, ए मेरा आंसर है। चूँकि आप कोई भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं 0 0, आप 0 0 अगर 0 0 को ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं तो फिर इसका मतलब है अगर 0 0 को सेटिस्फाई करती हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन बी हमारे पास आंसर होना चाहिए, चूँकि ऑप्शन बी के अंदर 0 0 लाई करता है। लेकिन आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं 0 − 2 × 0 0 इज लेस आर इक्वल टू 6, फाइन, बट 2 × 0 प्लस 0 0 2 से ग्रेटर नहीं होता, लिहाजा बी इज़ नॉट द ऑप्शन। आप सी को टेस्ट कर लें, सी के लिए कोई पॉइंट ले लें, फॉर एग्जांपल
मैं पॉइंट ले सकता हूँ, चलें कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं 8, और क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स जेनेटिक गिवन नहीं है तो हम आम तौर पर क्या करेंगे, हम सपोज करते हैं चलें जी 8 और माइनस 4, आप 8 और माइनस 4 ले लें। अब 8 और माइनस 4 अगर दोनों ही क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है तो आई वुड से कि सी विल बी माई आंसर, सी विल बी माई आंसर, ठीक है। 8 माइनस 4, 8 एंड माइनस 4, तो आप देख सकते हैं 8 माइनस इंटू माइनस, तो ये 8 प्लस 8 हो जाएगा विच इज़ गोइंग टू बी 16, 16 6 से लेसर नहीं होता, लिहाजा दिस इज़ नॉट द आंसर। तो देखें आम तौर पर स्टूडेंट इस तरह के सवालात के अंदर वो बहुत लॉन्ग तरह की कैलकुलेशंस करेंगे, जो कि इसका प्रॉपर वे है। आप इस इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया, मे बी आई गॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन एज दिस, ये मेरे पास इस इक्वेशन का ग्राफ आया, ठीक है, एक्स माइनस टू वाई, यानी जब एक्स जीरो है तो वाई मेरे पास माइनस थ्री है विच इज़ समवेयर हियर, ठीक है, और जब मेरे पास वाई ज़ीरो है तो एक्स सिक्स है, वाई ज़ीरो है तो एक्स सिक्स है समवेयर हियर, ठीक है, और जब मैंने इसको प्लॉट किया तो जो मेरे पास ओवरलैप्ड है, चूँकि ये रीजन ओवरलैप था और ये मेरे पास पार्ट आ रहा था जो इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, इस रीजन के लिए, इसका मतलब है इस रीजन के लिए मेरे पास जो आंसर होगा सिर्फ इस लाइन का जो सोल्यूशन सेट होगा वो अबव द रीजन, ये सारा रीजन, और जो इस लाइन का रीजन है वो सारा ये वाला रीजन, लेकिन हमारे पास जो ओवरलैप्ड रीजन होगा दोनों में, ठीक है, दैट विल बी द सोल्यूशन सेट। ये इसका कंप्लीट मेथड है, लेकिन इट्स अ वेरी लॉन्ग, इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग जॉब, हमने तो क्विकली आंसर बताना है। सो द बेस्ट ऑप्शन इस चारों में से कोई एक पॉइंट रैंडमली पिक कर लें और देखें दोनों इक्वेशन जहाँ पर सेटिस्फाई होती हैं दैट विल बी द आंसर ऑफ द इक्वेशन। सॉरी यहाँ पे मैं इक्वेशन कह रहा हूँ, आंसर ऑफ द सेट ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस। इसी तरह से हमारे पास एक और एमसीक्यू है जी, 3x plus 5y is less or equal to 15 and minus x plus 3y is less or equal to 3। क्वेश्चन है, इफ एक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मशीन्स व्हिच इज फिजिबल सॉल्यूशन। अब देखें इस क्वेश्चन को भी अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे सो इट्स गोना टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। इसका सबसे सिंपल वे क्या हो सकता है, देखें सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास जो है वो इस गिवन इक्वेशन की जो सॉल्यूशन सेट है, जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बनता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैं 3x plus 5y is less or equal to 15 का ग्राफ प्लॉट करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ एक्स इज जीरो, देखें जैसे मैं इस इक्वेशन की बात कर लें, ठीक है, अगर मैं इसमें एक्स जीरो पुट करता हूँ, वाई मेरे पास फाइव वाई ओवर 15, फाइव इज इक्वल टू 15, 15 और 5 इज गोना बी इक्वल टू 3, 0 3 आता है, ठीक है, यानी जब एक्स जीरो और वाई 3, ठीक है, तो तकरीबन ये पॉइंट आएगा, और जब वाई को जीरो पुट करेंगे, ठीक है, तो एक्स कितना आएगा 5, एक्स इज गोना बी इक्वल टू 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट, ये इसका मतलब रेड वाला जो लाइन है वो बेसिकली इसका सोल्यूशन है, आई मीन इसकी इसका ग्राफ है, इस और सॉलिड ड्रॉ करेंगे जो दोनों में इक्वालिटी भी मौजूद है साथ, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सोल्यूशन सेट क्या है, यानी अगर जो प्रॉपर वे है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म मेथड है, लेकिन हमने एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट मेथड सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम इस मेथड को समझ लें, आपको आइडिया हो जाए कि दिस इन ऑर्डर टू चेक के पॉइंट सोल्यूशन सेट अबव द होगा या बिलो द होगा, आप इस पॉइंट को टेस्ट करेंगे, 0 0 0 प्लस 0 इज़ लेसर इक्वल टू 15 ट्रू, इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन सेट है वो बिलो द लाइन है, सारा रेड का बिलो द लाइन सारा ये सोल्यूशन सेट हो जाएगा। अगर इस पे आ जाओ तो व्हेन एक्स इज 0 वाई इज इक्वल टू 1, व्हेन एक्स 0 है वाई 1 है, ठीक है, ये पॉइंट है, और जब एक्स वाई को 0 पुट करते हो तो एक्स माइनस 3 आता है, ये पॉइंट है, ठीक है। अगर आप 0 0 टेस्ट करो, 0 प्लस 0 0 इज़ लेसर इक्वल टू 3, इसका मतलब है इसका ये रीजन है, ठीक है, ये। अब ये ओवरलैप्ड एरिया, अगर आप ओवरलैप्ड एरिया देखो तो ये सारा आंसर आएगा हमारे पास, मीन दिस होल एरिया, ये होल एरिया हमारे पास क्या है, आंसर है। अब फिजिबल सॉल्यूशन से क्या मुराद है, फिजिबल सॉल्यूशन से मुराद ये होता है कि वो, यानी इनइक्वालिटी, अब वी नो के इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स पुट करती है, जैसे वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट्स द वर्कर्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स मशीन। अब अगर आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास x इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव. दैट मेक सेंस के नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स पॉजिटिव होते हैं, सबसे कम नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो सकते हैं, जीरो, यानी हो ही नहीं सकते. तो जीरो तो यहाँ पे लाई करता है, अगर आप जीरो देखें तो जीरो तो यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, जहाँ पे x भी जीरो है y भी जीरो है. इससे पीछे जाते हैं x नेगेटिव, इससे नीचे जाते हैं x y नेगेटिव. इसका मतलब है x नेगेटिव है y नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ठीक है, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स मशीन्स नेगेटिव हो जाएं या नंबर ऑफ वर्कर्स नेगेटिव हो जाएं, इसका मतलब ये फिजिबल नहीं है, दिस इज नॉट द फिजिबल थिंग, ठीक है. तो फिजिबल सॉल्यूशन जो हमें यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, वो रीजन जहाँ पे एक्स और वाई पॉजिटिव. इसका मतलब वो मुझे रीजन, अगर मैं देखता हूँ उस रीजन को तो मुझे वो रीजन कुछ यूँ दिखाई देता है, ये दिस पार्ट, यानी ये जो रीजन है, सिर्फ ये रीजन जो है मुझे, इसका मतलब एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज हैं वो इसमें से ली जा सकती हैं. अब बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, दैट्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हम उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. लेकिन फिजिबल रीजन बेसिकली दिस इज द फिजिबल रीजन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली. इसका मतलब है ए हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, बी, बी अगर आप बी को कंपेयर करें ए के साथ, हमने जो निकाला है वो ऑब्वियसली दिस इज द, सो बी इज द राइट आंसर. अगर आप सी को देखें, सी में ये रीजन है जो कि किसी सूरत में भी नहीं बन सकता, और डी में ये रीजन है जो किसी सूरत में बन सकता. दिस इज द लॉन्ग वे, दिस इज द लॉन्ग वे. अब शॉर्ट वे क्या है, शॉर्ट वे ये कि व्हेन एक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वर्कर्स, वाई रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मशीन. इसका मतलब है एक्स एंड वाई हैज टू बी पॉजिटिव. तो इसका मतलब जो चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में कलर होगी वो बेसिकली सॉल्यूशन होगा. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट, ये रीजन आपके पास है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. इसका मतलब है ऑप्शंस सी और डी को आप निकाल देंगे, बिकॉज अगर आप इसमें देखें डी में ऑप्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन अगर आप देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट भी शामिल है, और सी में देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट है. इसका मतलब है सी और डी दोनों सॉल्यूशन नहीं हो सकते. लेकिन अगर आप ए और बी के दरमियान देखें, ठीक है, ए एंड बी के दरमियान, सो आप कोई एक पॉइंट पिक कर सकते हैं, आप कोई एक पॉइंट पिक कर लें. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये पॉइंट पिक करता हूँ, ये पॉइंट पिक करता हूँ, ठीक है, जो कि बन रहा है 0.3 कर लें, 0.2 कर लें, चलें 0.2 पॉइंट. अब 0.2 पॉइंट क्योंकि मुझे सॉल्यूशन सेट से पता है, मुझे यहाँ से पता चलता है कि 0.2 पॉइंट ये वो पॉइंट, अगर ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन ये रीजन, फिर ये वाला रीजन हो सकता है, ये वाला रीजन आंसर होगा. अब 0 इसमें पुट करें और 2 इसमें पुट करें, 0 × 3 = 0, 5 × 2 = 10, 10 = 5 = 15, ठीक है. अब 0 इसमें पुट करें, ठीक है, 0, और 2 इसमें पुट करें, 3 × 2 = 6, 6 = 3, नो, 6 = 3 नहीं होता. इसका मतलब ये रीजन नहीं होगा, और फिर आपका क्या रीजन होगा, इसका मतलब दिस रीजन विल बी योर आंसर. इसका मतलब देखें शॉर्टकट्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिसके थ्रू आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे.